नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दोस्तों जो कि ये 2024 जैसे कि साल शुरू हो चुका है, तो ऐसे में इस ईयर को दोस्तों इलेक्शन ईयर बोला जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है, आखिर इस ईयर को इलेक्शन ईयर क्यों बोला जा रहा है और इतना मतलब क्यों इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है कि मतलब इलेक्शन ईयर है। तो ऐसे में दोस्तों खाली इलेक्शन ईयर इस वजह से नहीं बोला जा रहा है कि खाली भारत में इलेक्शन है। आपको ये जान के बहुत ही मतलब आश्चर्य होगा कि इस साल जो कि इतिहास का मतलब पूरे हिस्ट्री में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं भी कभी भी कोई ईयर में इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन हुए होंगे दोस्तों। कि 2024 में दोस्तों करीब करीब पूरे दुनिया में मतलब 50 देशों में इलेक्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों ये मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब आज तक इससे पहले अभी तक इतिहास के कोई भी ऐसे ईयर में मतलब ऐसा संयोग बना है कि मतलब जो भी जिस जिस जगह किसी की 4 साल, किसी की 5 साल, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है उसके बाद से दोस्तों जो चुनाव होते थे तो हर साल मतलब इतने बड़े पैमाने पर कभी इलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस साल इसीलिए मतलब 2024 को इलेक्शन ईयर ज़्यादा बोला जा रहा है, क्योंकि 2024 में 50 देशों में इलेक्शन हो रहे हैं दोस्तों। और इसमें करीब करीब मतलब 4 अरब से ज़्यादा मतलब वोटर वोटिंग करने वाले हैं। मतलब ये ऐसे एक्सपेक्टेड आंकड़ा बताया जा रहा है दोस्तों। अभी ये तो पूरे ईयर के एंड में ही पता चल पाया है कितनी एक्चुअल में वोटिंग हुई थी दोस्तों। मोटा मोटी तौर पे दोस्तों माना जा रहा है कि जो कि 45% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो पूरी वोटिंग करने वाली है। और ये सब डेमोक्रेसी कंट्री है, इसके अलावा जैसे रसिया कंट्री है, ये सब कंट्री में वोट होने वाले थे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों देखेंगे अगर कंट्री कौन कौन से है तो दोस्तों देखो 50 तो ऐसे बहुत से छोटे बड़े सब मिला के हैं, लेकिन अगर मेन मेन बड़े बड़े के तौर पर आप देखना चाहेंगे तो कुछ कंट्री है दोस्तों, जैसे यूएसए आपका, अमेरिका में इलेक्शन है दोस्तों, इसके अलावा आपके भारत, हमारे भारत में इलेक्शन है, रसिया में इलेक्शन है, अभी हाल ही में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, आपने देखा बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, ताइवान में इलेक्शन हुए। इसके अलावा दोस्तों जो अफ्रीके पूरी रीजन है दोस्तों, उसमें जो छोटे छोटे देश है उन सब में किसी में असेंबली तो किसी में मतलब ऐसे छोटे बड़े सभी तरह के इलेक्शन है। तो इसके अलावा यूरोपीय संघ जो है उसमें भी छोटे बड़े देशों में बहुत अनेक प्रकार के इलेक्शन होने वाले थे। इन सब कुल को मिला के करीब करीब 50 से ज़्यादा देशों में इलेक्शन होने वाले हैं। और इसमें करीब करीब मतलब दोस्तों जो बताया जा रहा है कि वर्ल्ड के हाफ पॉपुलेशन इस बार मतलब वोटिंग करने के लिए निकलने वाली है। तो हालांकि जनवरी में बहुत सारी जगह में इलेक्शन हो भी चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो कि बड़े बड़े जैसे अमेरिका हो गया, आपका भारत हो गया, रसिया हो गया, इन सब जगहों पे भी इलेक्शन बचा हुआ है दोस्तों। तो इसी वजह से ये 2024 को हिस्ट्री का मतलब सबसे बड़ा इलेक्शन ईयर मनाया जा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में अभी इलेक्शन का दौर चलने वाला है। और खास करके दोस्तों इसको इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है क्योंकि दोस्तों देखिए जब विश्व भर में ऐसे इलेक्शन होंगे तो जाहिर सी बात है कहीं के नेता बदलेंगे, तो कहीं वही वही नेता फिर से चुन के आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब जियो पॉलिटिक्स पर मतलब प्रभाव डालने वाला है। तो जियो पॉलिटिक्स में दोस्तों, क्योंकि अभी जियो पॉलिटिक्स ही दोस्तों बहुत मतलब इंपॉर्टेंट दौर पर गुजर रही है, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं कोई ना कोई क्राइसिस चल रहा है, जैसे रसिया और यूक्रेन का क्राइसिस हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे और देखिए चाइना और ताइवान में भी दोस्तों अनबन रहती है। और अभी जो कि लेटेस्ट अभी चल रहा है मिडिल ईस्ट में दोस्तों, इसराइल और हमास को लेकर, जिसके वजह से मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि रेड सी में भी देखने को मिला है इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके वजह से मतलब वहाँ के जो भी समुद्री लुटेरे हैं वो सब हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी वहाँ से व्यापार के लिए जो भी मतलब वहाँ से पार होते हैं जहाज, उन सब के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो इन सभी को लेकर जियो पॉलिटिक्स जो भी बन रही है अभी पूरे वर्ल्ड की, वो बहुत हद तक चेंजेस होने की या फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसे गुंजाइश है कि दोस्तों इतने बड़े पैमाने पर जब इलेक्शन हो रहा है और इतने बड़े बड़े देश के नेता जब चुन के आएंगे या कहीं के चेंजेस होंगे या कहीं के वही रहेंगे, तो आने वाले समय में ये बहुत ही ज़्यादा योगदान मतलब महत्वपूर्ण देने वाले कि आने वाले समय में इन सब प्रॉब्लमों का सलूशन किस तरह से होगा और कैसे इसको किया जाएगा। तो इसी वजह से दोस्तों ये इलेक्शन को इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े इलेक्शन में दोस्तों अभी जैसे मिडिल ईस्ट को दोस्तों देखें तो भारत को लेकर व्यापार करने मतलब यूरोपियन कंट्री से व्यापार करने में लाल सागर का सहारा लिया जाता था। तो ऐसे में दोस्तों अभी वहाँ से अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि समुद्री लुटेरों की वजह से व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो इसकी वजह से रूट चेंज करके जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से लागतें बढ़ती है, हर तरह की चीज़ें मतलब प्रॉब्लम बहुत सारी कंपनियों को होता है। तो इन सब का सॉल्यूशन भी कैसे किया जाएगा ये जियो पॉलिटिक्स में भी ये देखने की बात रहेगी, क्योंकि अभी देखिए जैसे इलेक्शन अभी यहाँ अभी हमारे भारत की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अभी हमारे जो देश के नेता है अभी नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री है, ये भी अभी कंटिन्यू तीसरी टर्म में आने की प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी ओर इनका क्योंकि यूएसए में दोस्तों अभी देख रहे हैं कि बाइडेन बने हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर से ट्रंप भी ट्राई कर रहे हैं कि वो भी जीतने का प्रयास करें। हालांकि दोस्तों वो दोनों में जो भी जीतते हैं लेकिन रिलेशन को तो मतलब मेंटेन करना ही पड़ेगा। इस तरह आप दोस्तों रसिया भी है और चाइना से भी लगातार कोई ना कोई अनबन बनी रहती है। तो इन्हीं सब की वजह से देखा जा रहा है कि जो भी ये इलेक्शन ईयर
करे, ये कहीं जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव ना करे, या बहुत ऐसा मतलब चेंजेस ना लाए जिसकी वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो पाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन पे भी बात हो रही है और प्रॉब्लम पे भी बात हो रही है। तो ऐसा देखा जाता है कि आने वाले समय में शायद सोल्यूशन भी कुछ ना कुछ मिडिल ईस्ट एरिया में या फिर रशिया यूक्रेन एशिया में ये सब में कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा दोस्तों। तो ये तो आने वाला ही वक्त वक्त ही बताएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खास बात थी दोस्तों कि इतिहास में जो कि अभी तक ऐसा कभी नहीं हो पाया है कि इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन का आयोजन हुआ हो, वो भी पूरे वर्ल्ड में, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हो पाया था। लेकिन ये 2024 का साल है तो दोस्तों जाहिर सी बात है अब कुछ ना कुछ नए चेंजेस भी देखने मिलेंगे, इसी की आशा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो से आपको कोई भी बात रहती है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।